हेलो एवरीवन, आज हम अपना जीएस का सिलेबस देखते हैं। जो सिलेबस यूपी TSSC में पूछा जा रहा है, SSC CGL वगैरह जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आता है, वन डे एग्ज़ाम जिसमें जो जीएस का पोर्शन होता है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे CGL हो गया आपका, UP SSC के अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसमें क्या होता है, चीज़ें फोर पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। मैथ्स होता है आपका, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होता है और GK होता है। मैथ्स का एक एरिया फिक्स है, आपको पता है कि कहाँ से आपको उठाना है और क्वेश्चन वहीं से मिल जाने हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग में आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़नी होती है, इंग्लिश में आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी होती है। मगर GS में ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है, GS में एक ही बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। देखिए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए 50 नंबर में आप एक जगह सिर्फ मैथ्स को करके कवर कर रहे हो, मगर 50 नंबर में यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है GS में बच्चे PhD करने लग जाते हैं। तो मेन इशू वहाँ पर होता है, हमें किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करके हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कम होते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है कि आपने एक तरफ से उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उन पर ही फोकस करना है, जैसे करंट्स हो गया, पहाड़, झरने, नदियाँ, और फिर आता है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी को आपको अच्छे से करना है। हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडेबल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री से मुश्किल एक या दो क्वेश्चन पूछता है, मिडेबल हिस्ट्री से आप मान के चलो 3-4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको फोकस करना है, यानी कि आपको इस पर 1 स्टार देना है, यानी कि इस पर कम फोकस करना है, फोकस करना है क्योंकि आपको एक एक नंबर गेन करना है। यहाँ आप 2 स्टार दे लीजिए, आपको इस पर एंसेंट हिस्ट्री से ज़्यादा एंड मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा कम फोकस करना है, आप इसको 3 स्टार दे लीजिए। 3 स्टार मतलब आपको इस पर पूरा कंप्लीट फोकस करना है, ठीक है, यहाँ से चीज़ें आपको छोड़नी ही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम साइंस। साइंस में आप देखिए जूलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली जूलॉजी से, तो आप यहाँ पर 2 स्टार दीजिए इसको, ठीक है, जूलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको 3 स्टार दीजिए। आपको जूलॉजी से सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, बॉटनी से आपके आते तो हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं, आप इसको 2 स्टार दीजिए। केमिस्ट्री से बहुत ही रेयर, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, आप इसको 1 स्टार दीजिए, यानी कि आपको करना तो है मगर फोकस इन ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर रखना है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स को आप 2 स्टार दीजिए क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन अच्छी खासी उसमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम इकोलॉजी में। इकोलॉजी मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, यहाँ पर करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। इकोनॉमिक्स में भी हमें करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, जैसे बजट हो गया, हमारी योजनाएं हो गई, इन चीज़ों पर फोकस करना है। कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा एरिया बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक तैयार करना है, बेसिक से ही आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी इसका कुछ एरिया फिक्स है, जैसे फसलें हो गया, कौन सी फसल रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, फसलें आपका हो गया, और आपका रोग हो गए, फसलों के रोग हो गए, तो यहाँ पर भी एरिया फिक्स है। अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, जैसे आपको करंट अफेयर्स को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, तो एक नेशनल करंट अफेयर्स, एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यहाँ पे आपको बहुत फोकस करना है करंट अफेयर्स पर। उसके बाद देखते हैं हम GS के पूरे पोर्शन में, हमने सब्जेक्ट्स तो तैयार कर लिए, अब सब्जेक्ट्स तैयार करके आपको आपका बहुत सारा एरिया कवर हो गया, मान के चलो आपका 70% एरिया इन सब्जेक्ट्स से तैयार हो जाता है, और 70% एरिया फिक्स है, ठीक है, उनका एक रेगुलर फिक्स है चीज़ें कि यहाँ से चीज़ें उठाएंगे वो। उसके बाद वो 10% आपका करंट अफेयर्स दे देता है, 10% में आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, बाकी के जो 20% बनते हैं, 80% हो गया, बाकी के जो 20% एरिया है ना, वो आपकी नॉलेज बेस होता है, यहाँ पर आपकी जो आपको नॉलेज अब तक आपने गेन की है बचपन से लेके अब तक, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुराने नॉलेज में मिल जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत
समझ नहीं पाते हम कहाँ से पूछ रहे हैं। तो इस पोर्शन पर, बाकी इस 20% पोर्शन पर फोकस ना करके हमें इस 80% पोर्शन पर फोकस करना है। यानी कि आप 50 में से कम आपको 40 क्वेश्चन आपके हो ही रहे हैं, ठीक है। आपके 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको इस सब्जेक्ट पर, जीएस पर, आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छे से एक जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एरिया है उन सबको कवर कराएंगे। थैंक यू।